एमएक्स और ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान द्वारा मंगलवार को भगवान महावीर टाउन हॉल बाड़मेर में हस्तशिल्पी उत्सव और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में जिले भर से हस्तशिल्प का कार्य करने वाली 500 से अधिक महिलाएं शामिल हुई। समारोह में जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना, संस्थान अध्यक्ष डॉक्टर रोमा देवी सहित कई अतिथियों ने शिरकत की। समारोह के दौरान हस्तशिल्प में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 100 महिलाओं को सम्मानित किया गया। हुनर है तो कदर है की थीम पर आयोजित हुई समारोह हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन करने के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान बाड़मेर और एमएक्स के संयुक्त तत्वावधान में भगवान महावीर टाउन हॉल में हस्तशिल्प उत्सव और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बाड़मेर जिले के विभिन्न गांवों से 1000 से अधिक महिला दस्तकारों ने भाग लिया, जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाली 100 महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संस्थान अध्यक्ष रूमा देवी, जिला पुलिस अधीक्षक और अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन के साथ की। इस अवसर पर उपस्थित दस्तकार बहनों ने अपने जीवन के संघर्ष और सफलता की प्रेरक कहानियों को साझा किया, जिससे अन्य महिलाओं को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। कार्यक्रम में संस्थान और रूमा देवी फाउंडेशन द्वारा आयोजित फैशन शो एवं अन्य कार्यक्रमों को LED स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया, जिसमें रूमा देवी के जीवन पर आधारित एक प्रेरक फिल्म भी शामिल थी, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया है। रूमा देवी ने अपने संबोधन में कहा कि अगर एक महिला दूसरी महिला को सहयोग करे तो किसी भी मुश्किल कार्य को पूरा किया जा सकता है। उन्होंने महिला दस्तकारों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि हम लोग हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री के लिए नवीन बाजार की खोज करेंगे। जिला कलेक्टर निशांत जैन ने महिला दस्तकारों को संबोधित करते हुए कहा कि परंपरा को नहीं छोड़ते हुए आगे बढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। रूमा देवी ने बाड़मेर जैसे रेगिस्तानी जिले से बाहर निकलकर विश्व पटल पर पहचान अंकित कर पूरे देश की महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की है। जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर ने कहा कि माताओं और बहनों को हस्तशिल्प के कार्य को आगे बढ़ाने चाहिए। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक अनंत आर्य, FWO बैटल एक्सी डिवीजन की चेयरपर्सन गौरिका बजाज, FWA वायुसेना स्थल उतरलाई की अध्यक्ष मैथिली दंताले, झीमो देवी धनऊ, महिला बाल विकास विभाग के उप निदेशक प्रहलाद सिंह राजपुरी बतौर अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के प्रकाश कानूनगो के मांगता गांव में दस्तकारों के लिए क्राफ्ट सेंटर बनाने की घोषणा की। इस उत्सव में लेदर क्राफ्ट, मृण शिल्प, कास्ट शिल्प, बुनाई कला, अजरक प्रिंट, एप्लिक एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट, पेंटिंग एंड स्केच आर्ट, अल्टरनेशन क्राफ्ट के उत्पादों का प्रदर्शन दस्तकारों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अमरु देवी द्वारा, हरजस प्रियंका कुमार द्वारा भजन और भैराराम द्वारा घूमर नृत्य की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा क्राफ्ट स्टॉल पर खरीदारी करके दस्तकारों की हौसला अफजाई की गई।